नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जहां आज की पहली और सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और अमेरिका से। आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, और अब जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे हैं, खबर सामने निकल के आई है कि भारत और अमेरिका ने एक ऐसे एग्रीमेंट को साइन किया है जिससे भविष्य में किसी भी युद्ध के दौरान भारत की सबसे ज्यादा मदद अमेरिका करने वाला है। दूसरी अपडेट भी अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत को मिलने वाले MQ-9 किलर ड्रोन्स की डील अब और ज्यादा आगे बढ़ाई जा चुकी है। तीसरी अपडेट भी अमेरिका से ही सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका ने भारत को समुद्र में एक और ताकत देने का वादा किया है। चौथी अपडेट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। पांचवी अपडेट की कतर की तरफ से गुरु ग्रंथ साहिब के कॉपीज को जब्त किया था, फाइनली मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर एक्शन लिया जा चुका है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट्स आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। यदि आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे, ठीक उसके कुछ देर बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। अब वो फाइनली अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में कई ऐसे एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिसका इंतजार भारत पिछले कई सालों से कर रहा है। और जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं, तमाम पश्चिमी देश जो अभी तक भारत पर सवाल कर रहे थे, भारत पर तमाम तरीके के एलिगेशंस लगा रहे थे, भारत पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए इसकी तैयारी की जा रही थी, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं सभी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। वेस्टर्न मीडिया में जम करके भारत की चर्चा होती है, इनफैक्ट कई ऐसी हेडलाइंस बनती है कि इंडियाज मोदी इन यूक्रेन। और सेम इसी टाइम पर रूस का रिएक्शन सामने निकल के आता है। रूस ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के अंदर हैं, किसी भी तरीके का कोई हमला यूक्रेन पर नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर ये सारी चीज चल रही थी, इसके कुछ देर बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनमें बीबीसी की तरफ से उन पर सवाल किया जाता है कि पीएम मोदी आखिर रूस गए ही क्यों थे, जब उन्हें पता था कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकती हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को रूस नहीं जाना चाहिए था, और रूस गए भी थे तो आपको इस तरीके से पुतिन के साथ गले नहीं मिलना था। तो इस चीज पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। प्रधानमंत्री मोदी चाहे रूस जाएं, पोलैंड जाएं या फिर दुनिया के किसी भी देश जाते हैं, वो इस तरीके से सबको गले लगाते हैं, तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और इसे आप पॉलिटिकली ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है। और अब बात करते हैं उन एग्रीमेंट्स की जो भारत और अमेरिका के बीच में की गई हैं। पहला एग्रीमेंट जिसे हम सोसा के नाम से जानते हैं, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, और दूसरा है RDP जिसे हम रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। जिसमें सोसा की बात की जाए तो ये एक ऐसा समझौता है जिसके तहत अगर कभी भी भारत के साथ किसी भी देश का युद्ध होता है तो उस समय भारत को प्रायोरिटी दी जाएगी, खासकर उन हथियारों में जो डायरेक्टली भारत अमेरिका से मंगवाता है। अगर अमेरिकन कंपनीज के पास ऑलरेडी सप्लाईज के ऑर्डर लगे होंगे, उनका प्रोडक्शन किसी और देश के लिए होगा और वो देश कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होगा, तो उस समय ये सप्लाई डायरेक्टली भारत को की जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसमें अमेरिका ने सिर्फ आज 17 से 18 ही देशों को शामिल कर रखा है, लाइक कनाडा, डेनमार्क, इजराइल, इटली, जापान, और अब इसमें भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। वहीं दूसरा एग्रीमेंट यानी कि RDP की बात की जाए तो ये भी सेम इसी तरीके का प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो ज्वाइंट प्रोडक्शन अलग अलग देशों के साथ मिलकर के किए जाते हैं, इस पर फोकस किया गया है। यदि भारत किसी भी प्रकार के युद्ध के सिचुएशन में फंस जाता है तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। उन कंपनी से टेक्नोलॉजी ली जा सकती है जो आज बड़े पैमाने पर भारत के अंदर हथियार एक्सपोर्ट करती हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्शन चालू कर सकती हैं, और वो भी इंडियन कंपनीज का इस्तेमाल करते हुए। और ये एग्रीमेंट्स खासकर उस टाइम किए जाते हैं जब जिस रूट से आपके देश के अंदर बायलैटरल ट्रेड किए जाते हैं वही पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका हो, ऐसे में सिर्फ ये एक सॉल्यूशन बचता है। और फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में इसे लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ाया जा चुका है। क्या कुछ मानना है आपका इन सभी एग्रीमेंट पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि अमेरिका ने फाइनली भारत के साथ ये एग्रीमेंट्स तो कर लिए हैं, यदि भविष्य में किसी प्रकार की भारत के सामने दिक्कत आती है तो क्या अमेरिका टाइम पर मदद करेगा या फिर कोई नया बहाना निकाल लेगा? कमेंट्स में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी अमेरिका और भारत
सामने निकल के आ रही है, लेकिन ये उन डील्स के ऊपर है जहां पर भारत और अमेरिका ने पहले ही इन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है, जैसे कि तेजस में लगने वाले इंजन्स, भारत को मिलने वाले MQ-9 किलर ड्रोन्स और तमाम ऐसे हथियार जिनकी डिलीवरी अमेरिका ने बहुत ज्यादा लेट में भारत को करनी शुरू की है। इसके अलावा तेजस में लगने वाले F-404 इंजन्स की सप्लाई अभी तक नहीं की गई है। करीब 11 महीनों का डिले इस पूरे प्रोजेक्ट में किया गया है। इसमें अमेरिका से ही भारत को इंजन्स मिलने थे। HAL ऑलरेडी फाइटर बना करके तैयार कर चुके हैं, बस इंजन की डिलीवरी मिलते ही इन्हें सक्सेसफुली तैयार करके सेना को सौंप दिया जाएगा। लेकिन साल 2023 में एक इम्पोर्टेंट समझौता किया जाता है तेजस LCA MK-2 को लेकर के, जिसमें 99 यानी कि करीब 99 ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग में है और इस चीज को लेकर के भी बातचीत शुरू की गई है। तीसरा इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट, ये अमेरिका की GE एरोस्पेस और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है F414 इंजन्स को लेकर के, ताकि इनका प्रोडक्शन ज्वाइंटली भारत के अंदर तैयार किया जा सके और किसी भी प्रकार की सप्लाई जब डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली भारत इन्हें देश के अंदर प्रोड्यूस कर सके। और अब बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने इन सभी चीजों का मुद्दा अमेरिका में उठाया है, जहां पर कहा गया है कि HAL 2024 और 25 तक इंडियन एयरफोर्स को 16 तेजस विमान और 2028 और 29 तक करीब 83 यानी कि 83 लड़ाकू विमान देना चाहती है। ऐसे में इंजन सप्लाई में जो देरी हो रही है ये बिल्कुल भी भारत की तरफ से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कई और डील्स अपनी तरफ से तोड़ना शुरू कर देंगे, जिसका नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। और इसी चीज के चलते यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इन सभी चीजों की सप्लाई भारत को की जाएगी। और इसी के साथ भारत और अमेरिका के बीच में 31 यानी कि 31 MQ-9 हंटर किलर ड्रोन्स की लेकर के डील की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साल 2024 के अंत से पहले पहले भारत की इनकी डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी। लेकिन अभी भी ये डील लगभग पेंडिंग में नजर आ रही है। ये डील भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को, 8-8 ड्रोन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। लेकिन अब इनकी पहली डिलीवरी 2026 में होने की उम्मीद है, जिन्हें भारत डायरेक्टली चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगा। बाकी क्या कुछ मानना है आपका, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बीट की बात की जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से सामने निकल के आ रही है, जहां लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिक्लाइन फेज में जा रहा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन एक बार फिर से इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। जहां बड़ी खुशखबरी यह है कि बीते 16 अगस्त को सप्ताह समाप्त के दौरान बताया जाता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 4.54 बिलियन US डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 674.66 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं बीते 9 अगस्त को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.80 बिलियन US डॉलर की कमी आई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय जिस स्टेज पे है ये अपने उच्चतम ऊंचाई पर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह मामला भारत और कतर से जुड़ा हुआ है, जहां पर रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि कतर की राजधानी दोहा में पुलिस की तरफ से गुरु ग्रंथ साहिब के 2 कॉपीज को जब्त कर लिया गया है। और आप जानते होंगे कि अक्सर इस तरीके के मुद्दे बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं इससे पहले यहां पर कोई बड़ा एक्शन हो, भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। और फाइनली भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। उनका कहना है कि भारत सरकार की पहल से पवित्र पुस्तक को की जो एक कॉपी है वो भारत को लौटाई जा चुकी है और दूसरी कॉपी जल्द ही भारत को लौटाई जाएगी। साथ ही विदेश मंत्रालय के अधिवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उन अधिकारियों के साथ लगातार टच में हैं जिन्होंने इसको जब्त किया था और उनसे इन्हें वापसी इस संबंध में तमाम प्रकार के रिपोर्ट्स साझा की जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कतर में जो भारत का दूतावास है वहां से भी इन सभी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि इसमें कतर को क्या दिक्कत है, कतर ने आखिर क्यों इन पवित्र किताबों को जब्त कर लिया? तो आपको बता दें कि कतर में रूल है कि आप किसी भी धार्मिक प्रस्थान को चलाने की मंजूरी आपको सरकार से लेनी होती है और आप बिना कतर की परमिशन के किसी भी धर्म जो खासकर उस देश के अंदर माइनॉरिटी है वहां पर इन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसी चीज के चलते पुलिस के द्वारा इस पवित्र किताब की 2 कॉपीज को जब्त कर लिया जाता है जिन्हें फाइनली भारत लौटाया जा रहा है, जिसमें से कॉपी भारत को मिल चुकी है, दूसरी जल्द ही वापस आ जाएगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।